दोस्तों जैसे कि आपको पता है फ्लिपकार्ट अमेज़न जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे ही कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है उस प्रोडक्ट की सेल अपने ही प्लेटफॉर्म के ऊपर अनाउंस कर देती है। जी हां दोस्तों, ये सेल तो होती है एक दिन की आम लोगों के लिए, लेकिन दोस्तों जिसको वाकई में वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है, जो भी सेल में प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करती है, वो प्रोडक्ट जो भी बंदा खरीदना चाहता है उसके लिए वो सेल सिर्फ और सिर्फ एक मिनट की होती है। तो क्या है दोस्तों इसकी पूरी सच्चाई, इसी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल्स में बताया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आपने भी कई सारे ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेस किए होंगे, तो दोस्तों आपको जरूर पता होगा फ्लिपकार्ट अमेज़न और भी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिस कंपनी के प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सेल दिखाई देता है। जी हां दोस्तों, वो सेल तो बिल्कुल एक दिन का कंपनी ऑफिशियली अनाउंस कर देती है, लेकिन दोस्तों उसमें उस सेल में से अगर हमें कोई प्रोडक्ट परचेस करना होता है, खरीदना होता है, तो वो प्रोडक्ट एक मिनट के अंदर अंदर ही आउट ऑफ स्टॉक या फिर अनवेलेबल हमें बताया जाता है। जी तो दोस्तों इस समय हमें क्या करना चाहिए, अगर वो प्रोडक्ट में हमें वाकई में इंटरेस्टेड है, वो प्रोडक्ट अगर हम खरीदना चाहते हैं, तो दोस्तों ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक मिनट में वो प्रोडक्ट हम खरीद पाए। तो दोस्तों इसी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में कुछ बेसिक बातें बताने वाला हूँ। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लास्ट तक विदाउट स्किप करते हुए देखते हो, तो दोस्तों आज के बाद आप कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट की सेल लगी हो, अगर आपको वो प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, तो आप आसानी से दोस्तों एक मिनट के अंदर अंदर ही दोस्तों वो प्रोडक्ट आप आसानी से बुक कर सकते हो। तो क्या है दोस्तों ये ट्रिक्स, इसी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल पर दोस्तों आप नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस। इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी मैं कुछ इस तरह यूजफुल वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा, तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगी। दोस्तों ऑनलाइन सेल में से कोई भी प्रोडक्ट आप परचेस करना चाहते हो, तो इसके लिए दोस्तों आपको कुछ बेसिक चीजें सीखनी होगी। सबसे पहली बात दोस्तों, जो भी प्लेटफॉर्म के ऊपर से आप प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हो सेल के थ्रू, तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है, वो प्लेटफॉर्म की कोई भी एप्लीकेशन आपको यहाँ पे यूज नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट की, मैं बात कर रहा हूँ अमेजोन की, मैं बात कर रहा हूँ स्नैपडील की, मैं बात कर रहा हूँ myntra.com की। आपको सिंपल से दोस्तों वो प्लेटफॉर्म की वेबसाइट आपको यूज करनी है, मतलब कि दोस्तों मैं आपको यहाँ पे लाइव बताऊंगा। आज की डेट में दोस्तों एक सेल चल रही है फ्लिपकार्ट के ऊपर, वो सेल में से सिर्फ और सिर्फ एक मिनट में ही हम मोबाइल कैसे परचेस कर सकते हैं, इसी के बारे में बताऊंगा दोस्तों। ये ट्रिक्स आपको भी, आपको अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी सेल में से आप प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हो वहाँ पे यूज करनी है। मैं लेके चलता हूँ आपको फ्लिपकार्ट वेबसाइट के ऊपर। तो सिंपल से आपको आपके मोबाइल में से कोई भी एक ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर में आपको जिस भी प्लेटफॉर्म से ऊपर आप सेल के थ्रू कुछ प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हो उस प्लेटफॉर्म की वेबसाइट यहाँ पे सर्च करनी होगी। तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे फ्लिपकार्ट से एक मोबाइल जो कि मुझे परचेस करना है, जिसकी सेल अभी 12 बजे डॉट स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं लाइव बताने वाला हूँ कि कोई भी ऑनलाइन सेल से कोई भी प्रोडक्ट हम बिल्कुल एक मिनट में ही कैसे बुक कर सकते हैं। तो जैसे ही दोस्तों आप देख सकते हो मैंने वेबसाइट तो ओपन की है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल ये मोबाइल की सेल चल रही है। ये मोबाइल की सेल बिल्कुल 12 बजे आज की डेट में डॉट स्टार्ट होने वाली है। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे नीचे हमें ऑप्शन मिल चुका है कमिंग सून नोटिफाई मी। इससे पहले दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे टाइमिंग 11:54 हो चुके हैं, बिल्कुल 6 मिनट बाद ये सेल हमें इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टार्ट होते नजर आएगी। मत उससे पहले दोस्तों और एक बात आपको यहाँ पे समझनी होगी, जो भी ऑनलाइन प्रोडक्ट की सेल चल रही होती है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। इसी के चलते दोस्तों कोई भी प्लेटफॉर्म आपको कैश
ऑन डिलीवरी का ऑप्शन यहाँ पे नहीं देता है। मतलब कि दोस्तों जो भी प्रोडक्ट हम ऑनलाइन सेल के थ्रू खरीदना चाहते हैं उस प्रोडक्ट की पेमेंट हमें पहले ही करनी होती है। इसके लिए दोस्तों आपको आपके प्रोडक्ट की जो भी वैल्यू है उतने अमाउंट आपके अकाउंट में होनी जरूरी है, क्योंकि दोस्तों कंपनी यहाँ पे आपको सीओडी ऑप्शन अलोन नहीं करती है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे कंफर्म करना है कि जिस भी प्लेटफॉर्म से आप ऑनलाइन सेल के थ्रू प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका अकाउंट होना जरूरी है। मतलब कि दोस्तों आपके मोबाइल के थ्रू या फिर मेल आईडी के थ्रू आपको यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट करना है, जिसमें आपको आपके होम डिलीवरी का एड्रेस प्रॉपर तरीके से लिखना है। ये सारी चीजें दोस्तों आपको सेल शुरू होने से पहले ध्यान में रखनी है। सबसे पहला दोस्तों आपको एप्लीकेशन यूज नहीं करना है। आपको जो भी प्लेटफॉर्म से आप ऑनलाइन सेल्स के थ्रू प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हो उस प्लेटफॉर्म की आपको वेबसाइट यूज करनी है। सेकंड, यहाँ पे आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसके लिए दोस्तों आपको आपके अकाउंट में उस प्रोडक्ट के वैल्यू की इतनी अमाउंट होना बिल्कुल जरूरी है, वो एक बार कन्फर्म करना है। और थर्ड बात, यहाँ पे जो भी प्लेटफॉर्म के ऊपर से आप प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हो सेल के जरिए उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका अकाउंट लॉगिन होना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों आपको वापस से जाना होगा सेल के ऊपर जहाँ पे ये सेल स्टार्ट होने वाली है। अब कुछ सेकंड में दोस्तों ये सेल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल बाय नाउ का ऑप्शन हमें मिल चुका है। आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपल से आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो कि मैंने वीडियो के पहले ही बताया कि ये ऑफिशियली सेल अनाउंस हो चुका है एक दिन के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आप इस सेल में से जो भी प्रोडक्ट के ऊपर इंटरेस्ट रखते हो, वो प्रोडक्ट आप परचेस करना चाहते हो, तो बिल्कुल दोस्तों ये सेल आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक मिनट का होने वाला है। तो बिल्कुल दोस्तों एक मिनट में आपको ना ही यहाँ पे एड्रेस डालना है, ना ही यहाँ पे आपको कुछ मोबाइल नंबर से लॉग इन करना है, ना ही आपको यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेमेंट की प्रोसेस ही करनी है। तो आसानी से आप पेमेंट की प्रोसेस एक मिनट के अंदर अंदर ही कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कर सकते हो। इस तरह आप भी आपके मोबाइल के ऊपर ऑनलाइन सेल के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट आसानी से परचेस कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर देना छोटा सा लाइक। चैनल पर दोस्तों आप नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक, गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।